तमाम चीजों के लिए सबसे बेहतरीन हाल ये है कि ये जो दुआएं हम पढ़ते हैं इनको पढ़ते रहें, और कोई पूछे तो इसी किस्म की चीज उसको बताएं, और अगर वो ये कहे कि मैं नहीं मानता या मुझे इसका असर नहीं, तो फिर देखें उसकी जिंदगी में गलत काम क्या है। एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ। एक किताब रिसेंटली छपी है, उस किताब में एक वाक्या है, और वाक्या ये कि एक शख्स थे, उनके पास कोई अपना मसला लेकर आया, और मसला ये था कि मेरे घर में दो बच्चे पैदा हुए और झूले में थे कि उनका खुद से खुद खतना हो गया, और एक तो इतना ब्लीड किया बच्चा कि वो उसकी डेथ हो गई, और दूसरा जो है बमुश्किल बचा, और इसी तरह अनयूजुअल किस्म के वाकयात घर में पेश आ रहे थे। मसलन मुझसे खुद एक खातून ने कहा कि हम कपड़े धोने के लिए मशीन में डालते हैं तो निकालते हैं तो कट पड़े हुए होते हैं, बसा औकात बिस्तर जला हुआ होता है, यानी अनयूजुअल किस्म के वाकयात घर में जिनको आप और कुछ उसकी तौजीह कर ही नहीं सकते, तो ऐसे वाकयात पेश आते। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारे घर में कुत्ता तो नहीं? कहने लगा नहीं कुत्ता नहीं। कहा कोई तस्वीर तो नहीं लटकी हुई? कहा नहीं तस्वीर भी नहीं। कहा नमाज पढ़ते हैं? कहते हाँ नमाज भी पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी औरतें जो है वो सर ढकती हैं? उनका कि नहीं पर्दे की कोई खास पाबंदी नहीं करती। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम इन चीजों की पाबंदी शुरू करो। उसने कुछ आमाल उनको बताए और कहा कि अब अगर घर में कोई वाकया होने लगे तो तुम बुलंद आवाज से कह देना कि वो चार चीजें नहीं है तुम चले जाओ, और दरवाजे पर लिख कर भी लगा दो घर के कि वो चार चीजें नहीं है तुम चले जाओ यहाँ से। वो वापस चले गए। वापस जाकर जब घर में इसी किस्म का हंगामा होने लगा तो उन्होंने इसी तरह बुलंद आवाज से कहा कि वो चार चीजें नहीं है तुम चले जाओ, और वो जिन्नात चले गए। फिर वो वापस आए उनके पास जिन्होंने उन्हें ये नुस्खा बताया था, तो उन्होंने कहा कि भाई वो क्या थी चार चीजें जो आपने कहा था? तो उन्होंने कहा था कि मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे घर में कुत्ता है या तस्वीर है, नमाज पढ़ते हो, या ये कि तुम्हारी खवातीन सर ढकती हैं, तो तुमने तीन चीजों का शायद जिक्र किया और चौथी नहीं, तो चौथा पे जब तुमने अमल शुरू किया तो तुमने उनको कह दिया कि वो चार चीजें जिनकी वजह से तुम आते हो वो नहीं है तो तुम चले जाओ, तो वो चले गए। होता यह है कि जो लोग अल्लाह की इताअत करते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते उनकी हिफाजत करते हैं। सूरत हामिम सजदा में आता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, के जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, ईमान लिया और कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जम गए, तो उन पर फरिश्ते उतरते हैं जो उन्हें कहते हैं खौफ ना करो गम ना करो। फिर इसी तरह एक और हदीस में आता है कि हर इंसान के साथ फरिश्ता भी लगा हुआ और शैतान भी लगा हुआ है। फरिश्ता एक ख्याल डालता है, शैतान दूसरा ख्याल डालता है। फरिश्ता अच्छा ख्याल इंसान के दिल में डालता है, अगर इंसान उसकी बात मान ले तो शैतान जो है वो मायूस होकर पीछे हो जाता है, लेकिन अगर इंसान शैतान की बात पर लब्बैक कहे तो फरिश्ता हिफाजत से दस्तबरदार हो जाता है, हम जा रहे हैं, हम हिफाजत के जिम्मेदार नहीं तुम्हारे। दुनिया में जमीन पर जिन्नात की तादाद इंसानों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है।